My dear students, good morning to you all. I hope you have done the previous assignment. That assignment was based on tangents and normals. See, look here, there are three topics in application derivatives. Two assignments, one in tangent normals and one in maxima minima, already we have done. Here I am doing the objective problems from increasing and decreasing, and also some problems I am taking from maxima and minima. So please see, look at these questions, try yourself first, give pause to this video, do these. And if you are unable to do and you are finding any difficulty in any of the questions, so please see this video. I am going to do the first question. It is find least value of k for which x square plus kx plus 1 is increasing on 1 to 2. Interval is given. Similar kind of question is there in your book. Aapki book mein bhi bilkul yahi hai. Usme yahan par a likha hua hai. So look here. Least value of k. K ki least value find out karni hai. For which this is increasing. Look at this. Kya karoge? Ye increasing hai. Find f dash x. This is 2x plus k. अब इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? 2x plus k should be greater than equal to भी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि strictly increasing नहीं लिखा है. One marker question है, यहीं पर भी गलती हो जाती है. Then it means k should be greater than equal to minus 2x. अब k को क्या होना है? Minus 2x से greater होना है. इन x कहाँ है? x है 1 से 2. अब आपको क्या करनी पड़ेगी? माइनस टू एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ माइनस टू एक्स इन दिस इंटरवल. इस इंटरवल में आपको माइनस टू एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो के की क्या होगी? लीस्ट वैल्यू होगी. ऑलराइट, जो माइनस टू एक्स की इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो k की लीस्ट वैल्यू होगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या करते हैं, इसकी भी लीस्ट वैल्यू ले लेते हैं. वो k की, इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी वो नहीं होगी k की लीस्ट वैल्यू. जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ k. सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 2x इन दिस इंटरवल? माइनस 2. देखो, x को अगर 1 लिखोगे तो माइनस 2 आएगी, और 2 लिखोगे तो क्या आ गई? माइनस 4. माइनस 4 इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है, माइनस 4 इसकी लीस्ट वैल्यू है. तो k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, व्हाट शुड बी योर आंसर? माइनस 2. k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2. दिस इज योर आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लुक एट नंबर 2. देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो. अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. fx इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस x. एज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? ये येस और नो वाला क्वेश्चन है. लुक हियर, राइट एफ डैश एक्स. व्हाट इज एफ डैश एक्स? कॉट इनवर्स एक्स का कितना होता है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 1. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, आई थिंक आपको लर्न होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसके साथ एलसीएम ले लोगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सी लुक हियर, ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है. अगर एक्स कभी नेगेटिव भी होता है, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो आर है, अगर एक्स नेगेटिव भी होगा दिस विल ऑलवेज बी व्हाट? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस भी एक्स स्क्वायर है. जहां भी एक्स है वो स्क्वायर में, मतलब एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो इट विल मेक इट पॉजिटिव, पॉजिटिव बना देगा. सो व्हाट दिस इज, इसीलिए दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट नेक्स्ट. डिस्कस एक्सट्रीमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स. फंक्शन क्या लिखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स. देखो इसे
मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करने में मल्टीप्लाई कर लोगे तो डिफरेंशिएशन में आसानी हो जाएगी। इफ आई डिफरेंशिएट दिस, इसको मैं डिफरेंशिएट करती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। राइट एफ डैश एक्स, व्हाट इज एफ डैश एक्स, इसका तो सीधे सीधे कॉस एक्स हो गया, और प्लस इसका साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स करना आ जाना चाहिए आपको, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। व्हाट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस टू एक्स, ये कितना होता है कॉस टू एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स। अब फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यू विल राइट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस विल गिव यू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस टू एक्स। अब इधर देखो, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस टू एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो भी कहाँ, यहाँ है, तो इसको आई विल राइट पाई माइनस टू एक्स। वेरी इजीली ड्यू टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल की वजह से लिखा मैंने ये एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस टू एक्स, दिस विल गिव मी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। ऑल राइट, अब देखते हैं यहां पर ये एक्सट्रीमम है या नहीं। एक्सट्रीम में जाने के लिए एफ डबल डैश एक्स निकालोगे माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन टू एक्स। देखो ये एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, साइन एक्स पॉजिटिव होगा, बाहर का माइनस साइन एक्स माइनस नेगेटिव साइन ऐसे ही रह जाएगा, और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी जाएगा तब भी साइन टू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव, और ये बाहर का माइनस विल बी एज इट इज, सो ओवरऑल दिस विल बी नेगेटिव। ओवरऑल दिस इज नेगेटिव मीन्स दिस इज व्हाट, मैक्सिमम। मैक्सिमम अब आपको डिस्कस द एक्सट्रीमम लिखा, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में चेंज किया है, दिस इज अ लिटिल डाइवर्जन। सो व्हाट इज एक्सट्रीमम, आपको निकालना क्या है, इसका मतलब है आपको एक्सट्रीम में पॉइंट निकालना था। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, दिस विल बी द आंसर। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक्सट्रीमम इज, आप ज्यादातर क्या करते हैं, आप निकाल देते हैं इस एक्सट्रीमम की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री इज द एक्सट्रीमम। ऑलराइट, नाउ प्लीज नोट डाउन ऑल दीज, यू विल राइट ऑल दीज क्वेश्चंस। लुक एट दिस फोर्थ, अगेन गुड वन, सी लुक हियर, अभी तक क्या था आपके पास, यू वेयर गिवन द डोमेन, नाउ हियर यू आर नॉट गिवन डोमेन, कई सारे क्वेश्चंस में डोमेन गिवन नहीं थी, तो मीन्स यू हैव टू राइट द डोमेन ऑन योर ओन। यू विल राइट डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ इट इज नॉट गिवन, इफ इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, सी इफ इट इज अ पॉलीनोमियल और एनी अदर थिंग, तो एंटायर रियल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट बिकम्स अ डोमेन। नाउ हियर दिस इज लॉग फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉग फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन यू हैव टू फाइंड लॉग वन प्लस एक्स, व्हाट शुड बी देयर, लॉग वन प्लस एक्स, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस ऑल्सो। अब सबसे पहले इसकी डोमेन निकालते हैं, डोमेन क्या लिखा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, आपके पास कुछ डोमेन तो होना चाहिए, कुछ वैल्यूज तो होनी चाहिए, कुछ पॉइंट तो होनी चाहिए जहाँ से आप इसको डिस्कस करें। For this, 1 plus x should be greater than 0, then x should be greater than minus 1. अब इसका जो डोमेन, यहाँ से तो माइनस वन आ रहा है, और यहाँ x plus 2 should not be 0. This means x is not equal to minus 2. x is not equal to minus 2, देखो, बड़ा अंडरस्टूड सी बात है, x की वैल्यू जब माइनस वन से ग्रेटर है, माइनस वन से ग्रेटर है, तो माइनस टू तो हो ही नहीं सकती, इट इज गुड वन, बहुत अच्छा आई है। अब आप क्या करोगे, आप इसको लिख दोगे, इसका इंटरवल तो माइनस वन से इंफिनिटी आ गया, जो इसकी डोमेन है वो माइनस वन से इंफिनिटी आ गई, क्योंकि माइनस टू तो इसमें आता ही नहीं है, तो ठीक है। अब आया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इफ आई राइट वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस ये u अपॉन v लगाओ तो क्या होता है, ये डिनोमिनेटर 2 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन व्हाट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लुक हियर, अ लिटिल कैलकुलेशंस आर नीडेड ओवर हियर,
4 upon 2 plus x whole square. Make its whole square. Take LCM. 2 plus x whole square minus 4 into 1 plus x upon 1 plus x and 2 plus x whole square. See, look here. This will give me how much? This will give me x square upon, you can see, 1 plus x and 2 plus x whole square. Up f dash x is strictly increasing. This is always increasing. F dash x should be greater than 0. इसके लिए हमें इसको consider करना है. Look here, इसमें ये x square तो कुछ नहीं करेगा. 2 plus x square whole square ये भी हमने consider नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये तो अपने आप ही positive है. Whatever is x, these all will be positive. अब बात रही 1 plus x. 1 plus x को greater than 0 होना चाहिए. ये कब greater than 0 होगा? जबकि x is greater than minus 1. Alright, x is greater than minus 1 in ये interval भी है. Domain is x greater than 1 and यहां से भी x greater than 1 आ गया. X यहां पर equality नहीं आएगा. See, look here, equality नहीं आएगा क्योंकि log में equality नहीं आती है. So that's why this is increasing. ये word important है. What is important है over here? Strictly increasing is not written. This is coming increasing. So what will you write? You will write, since f dash x is always positive in its domain, so this is increasing function. Alright? Now, yes, continue the problems. Again, you can pause this video and you can give a try. But see, look here. What I am doing, find the values of a when f x is equal to, this is given, is decreasing. F dash x decreasing के लिए निकालो f dash x root 3 cos x minus sin x plus sin x हो जाएगा minus 2a का minus 2a plus 0. For decreasing what should be there? Root 3 cos x plus sin x minus 2a should be less than 0. Alright, less than equal to 0, decreasing है, strictly decreasing तो है नहीं. So what? Root 3 cos x plus sin x should be less than equal to 2a, means 2a should be greater than equal to what? This one. Alright, बड़ा अच्छा question है ये, please make a note of this. Then इस 2 से तो हम divide कर देते हैं, a should be greater than root 3 upon 2 cos x plus 1 upon 2 sin x. Now look here. Yes, sin x. This is sin pi by 3 cos x plus cos pi by 3 sin x. Sin a plus b का formula बनाया. क्यों बनाया? क्योंकि single function हो जाएगा, तो I can decide it well. अब a should be greater than equal to sin x plus pi by 3. अब sin x plus pi by 3 की value क्या होती है? Minus. इसकी maximum value. अभी अभी मैंने बात कर दी. First question was also there. A should be greater than 0. Greater than this का मतलब क्या हुआ? जो sin function की maximum value होगी, वो A की least value. So A should be greater than equal to 1. 1 से infinity का. क्योंकि इस function की domain क्या है? Infinity है. Cos x और sin x का जो domain होता है, वो infinity होता है. तो what should be a? A should be this. Next question. Next is, find the largest value of this function. ये तो आसान है. Largest value of this function. आपको क्या करना है? F dash x find the maximum value आप निकाल सकते हैं. I am not doing this. ये तो बड़ा आसान सा question है. You can do it yourself. Alright? Maximum value. बहुत सारे questions किए हैं. अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो यू कैन आस्क दिस. मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम है ये. ये डोमेन क्या होगा? ये दीज टू पॉइंट्स होंगे, माइनस टू और टू. बीच में जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगी, यू विल राइट इट. एफ डैश एक्स निकालो. राइट, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो. दिस विल गिव यू वैल्यूज ऑफ एक्स. इससे एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी. एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी तो यहाँ रिप्लेस करना एफ डबल डैश एक्स. यू नो दिस. इसे आने दो. Look at next.
What is the point of maximum? Maximum का point जहाँ पर ये maximum point है. X is equal to e to the power x into y. थोड़ा सा अलग सा function है. Let us check. थोड़ा सा different है. इसे हम लिख देते हैं y is equal to x into e to the power minus x. All right. Maximum minimum के लिए आपको dy by dx ही निकालना है. वही ज़्यादा easy रहता है. dx by dy निकालोगे तो that will be complicated. dy by dx इसको f dash x is first function minus e to the power minus x plus e to the power minus x. This is minus x e to the power minus x plus e to the power minus x. देखो बच्चों वैल्यू तो यहाँ से आ जाती है. ये already you know this all minus 1. So this will give me f dash when I will write f dash x is equal to 0 if I write. So this will give me what? X is equal to minus 1. X is equal to 1. X is equal to 1 आ गया. क्योंकि e to the power minus x. e to the power minus x is equal to 0 means x को क्या होना चाहिए? Infinity होना चाहिए. 1 upon e to the power x को 0 होने के लिए x would be infinity. Here x is equal to 1. Point आ गया x is equal to 1. अब इस x is equal to 1 में हम f double dash x भी check कर लेंगे. What is f double dash x? इसे चेक करो f double dash x minus x into minus e to the power minus x plus e to the power minus x and then minus e to the power minus x. Alright, ये x e to the power minus x, this is minus, ये plus हो गया, one एक minus यहाँ है, एक minus हो रहा है, and then x e to the power minus x minus 2 e to the power minus x. Now if you write x is equal to 1, if I write x is equal to 1, so this is negative. F dash x kitna aa gaya? Negative. F dash x is negative, it means ye maximum hai. Point find out karne ke liye aap y bhi nikalo. Y is equal to e to the power minus 1. So what is your answer? Answer is what? 1 e to the power minus 1, this is the answer. Alright, x and y dono point nikalna aapne. What is the point bola isme? This is the point. Next question. AB is diameter and C is any point on the circle. Find measure of angle CAB if area of triangle ABC is maximum. Ab dekho kaun kehta hai कि मैक्सिमा मिनिमा का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती है. ये ऑब्जेक्टिव है, ये टू मार्कर है ये वर्ड प्रॉब्लम. देखो ए बी इज डायमीटर एंड सी इज एनी पॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यू आर गिवन अ सर्कल, सर्कल का रेडियस गिवन है. ए बी इज डायमीटर, सी इज दिस वन, दिस इज ए बी, ए बी इज डायमीटर, सी इज एनी पॉइंट, C is any point. Then this is triangle ABC. Alright. This is triangle ABC. इसको लिख देते हैं, let us say this side is B. ये side B है. और ये side A. Alright. And what? Circle का radius ले लेते हैं R. Suppose ये R है. Radius of the circle is R. This is given. ये given है. Circle is given का मतलब circle का radius is given. What is given? Given is R. Find the measure of angle. ये angle find out कर. This angle. When area is maximum. ये angle find out करना है. देखो हम क्योंकि ये right angle triangle है. Angle of semi circle है ये. AB is radius, so this will be angle of semi circle. Right angle triangle होगा. Right angle triangle होगा, तो हम इससे भी sin theta निकाल सकते हैं. Suppose this is theta. To find में आएगा ये. टू फाइंड में क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ए अपॉन टू आर. दिस वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना क्या है? ए अपॉन टू आर फाइंड आउट करना है. दिस विल गिव अस साइन थीटा. नाउ लेट अस सी. सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है आपको. व्हाट इज द फॉर्मूला? देखो और गिवन है आपको. और क्या गिवन था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू.
गिवन वाला लिखो, टू फाइंड लिखो, अब लिखो एरिया, जो मैक्सिमम मिनिमम करना है एरिया। ए इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसको किस में होना चाहिए था, देयर शुड बी वन वेरिएबल, अभी फिलहाल दो वेरिएबल है, ए एंड बी आर द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल वी हैव टेकन, हमने लिए। सो बोथ आर वेरिएबल्स, नाउ आई विल राइट ए, एंड फ्रॉम हियर स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया, किसको, बी को, बी को मैंने यहाँ से लिख दिया, इसको जेड लिख दो, ए स्क्वायर कर दो, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस विल गिव मी जेड इज इक्वल टू 1/4 4r स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए टू द पावर, राइट डाउन डी जेड बाई डी ए, ए इज द वेरिएबल, 1/4 4r स्क्वायर एंड ए 2a माइनस 4a क्यूब, ऑल राइट। डी टू भी निकाल लेना, डी टू जेड अपॉन डी ए स्क्वायर, दिस विल बी 4 कैंसिल्स, दिस विल बी ओनली 2r स्क्वायर, a का 1 हो जाएगा माइनस 12 ए स्क्वायर, 12 क्यूब 3 रह जाएगा, 4 तो कैंसिल कर दिया यहाँ से, डी जेड बाई डी ए इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव मी 4r स्क्वायर इंटू 2a इज इक्वल टू 4a क्यूब। सी लुक हियर, आई विल राइट ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, देन a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2r। नाउ आई विल राइट साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, a को आई विल राइट 2, this is 2r, square root of 2r, this will give me 1/√2, sin theta is 1/√2, then theta is equal to how much, pi by 4, now I got the answer, theta is equal to pi by 4 means this is isosceles triangle, see look here, अब आपके पास ये question थोड़ा सा turn होकर भी आ सकता था, is this triangle isosceles, when this condition is given, तो ऐसे भी ये ऑब्जेक्टिव बन सकता था, ओके, देन दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।